देखिए, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन का। इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखेंगे किस तरीके से वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे थे वो किस तरीके से कवर किए जाएंगे। हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के नेक्स्ट जो टॉपिक्स आते हैं वो हमारे टॉपिक रिलेट करते हैं। यहाँ से हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था वो सेट डिफॉल्ट डेट इन वाउचर एस के अगेंस्ट कर लिया था। नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस कर रहे सर। हाँ सर वीडियो शो नहीं हो रही। ओके, अब शो हो रही है? नहीं सर, अभी शो नहीं हो रही। जी सर। ठीक है अब? जी हाँ सर, अब हो रही है। ओके डन। ओके ओके चलो, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है जीरो वैल्यू वैलिडेशन। कि जीरो वैल्यू वैलिडेशन क्या होती है? कभी कभी मेरे सामने बहुत रिक्वायरमेंट ऐसी कॉले आती हैं, सर मैं जब बीजी की एंट्री कर रहा था ना, मैंने इंटर इंटर करा, डेट डाली बीजी की या बीजी लिखा और बिल को F2 करके सेव कर दिया, ना मैंने अमाउंट डाला ना मैंने आइटम का नाम डाला, वो सेव हो गया। अब सर अगर मैं उस बिल को लिस्ट में देखता हूँ तो वो बिल दिखता भी नहीं है, पुलिस कहीं दिखता भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बीजी के अंदर एक वैलिडेशन लगी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि वो ही बिल लिस्ट के अंदर शो होंगे जिस बिल की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। अगर वो बिल की वैल्यू या किसी भी बिल की वैल्यू जीरो से नीचे है तो वो आपको बिल में शो नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम हो जाती है। काफी लोग परेशान होते हैं, फिर सजेशन मांगते हैं, मैं उनको काफी चीज बताता हूँ, देन में लास्ट में मुझे बोलते हैं कि सर मैंने बिल की वैल्यू जीरो डाली थी या डाली ही नहीं थी। तो फिर मैं उनसे बोलता हूँ आप चेक लिस्ट में आना, यहाँ से मिलेगा वाउचर नंबरिंग, यहाँ से मिलेगा आपको ब्लैंक वाउचर, आप जो भी बोलेंगे वाउचर मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो ही ना, इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करने के साथ साथ बिजी मुझे इंटीमेट करे, बीजी मुझे बोले कि सर ये तरीका सही नहीं है, आप इसे मत करो, ऐसे आप इस वे को मत यूज करो, आप ये मत करो वो मत करो, ये सारा मेरे को करना है। मुझे कंडीशन देनी है कि मेरा जीरो वैल्यूएशन ना हो। मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन पे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे, मैं बोलूंगा पियर्स और यहाँ कंडीशन दूंगा वैलिडेशन के अंदर। मैं यहाँ से बोलूंगा कि पार्टी का सबसे पहले आपको क्या करना है, डिसअलाउ जीरो आइटम मेन में, कोई भी आइटम जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी आइटम का प्राइस जीरो नहीं होना चाहिए और साथ साथ किसी प्राइस बिल का प्राइस भी जीरो नहीं होना चाहिए या अमाउंट का प्राइस जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने इसको सेव कर दिया, सेव हो गया, मैं क्विट करा, मैं सेल पे आया, मैंने एक बिल की एंट्री करी। जब मैं उसको सेव कर रहा था तो मैंने क्या करा, इंटर, देखो आगे जा रहा हूँ, क्या लिखा, क्वांटिटी शुड नॉट बी जीरो, क्वांटिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। देन वन डाला, स्टॉक नेगेटिव आया, देन आगे गया, देखो यहाँ आया, मैंने अमाउंट जीरो रखा, मैसेज आ गया अमाउंट शुड नॉट बी जीरो, अमाउंट कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इस तरह की आप कंडीशन बीजी के अंदर लगा सकते हैं, आप बीजी को बोल सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, जीरो वैल्यू आएगी तो प्रॉब्लम होगी। तो आप इस तरह की चीजें बिजी को बता सकते हैं और बिजी फिर आफ्टर अपनी परफॉर्मेंस करेगा। तो प्लीज आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है देन आप इस तरीके से या इधर आके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी कहलाती है जीरो वैल्यू वैलिडेशन। देन नीचे आता है फिल्टर वैल्यू फॉर पार्टी ड्रॉप डाउन, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम इसको क्विट कर देते हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इनपुट ट्रांजेक्शन डिटेल। ये इनपुट ट्रांजेक्शन डिटेल क्या होती है, अब आते हैं। आप जानते होंगे कि जब भी आप कोई सेल करते हैं और वो अदर स्टेट होती है, अदर स्टेट मतलब इन द सेंस कि मतलब आप दिल्ली से बाहर बेच रहे हैं, तो ये पॉपअप खुल के आता है जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट डिटेल। बट ये पॉपअप तब नहीं आता जब आप यहाँ पर लोकल लिखते हो या कोई भी लोकल टैक्स लेते हो, तो पॉपअप नहीं आता, पहली बात तो ये, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग कच्ची कंपनी में काम करते हैं और वो इस टॉपिक को अनेबल करना चाहते हैं, कहते हैं कि मैं ट्रांसपोर्ट डिटेल को अनेबल कर दूं, तो आपको इस टॉपिक को अनेबल करना पड़ेगा जिसका नाम है इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल। दूसरा,
सबसे बड़ा पॉइंट सोचने वाला है कि सर ये टॉपिक तो हम ट्रांसपोर्ट अनेबल कर लेंगे, वहां से समझ में आ गया, बट ये लोकल पे क्यों नहीं आता, ये लोकल पे क्यों नहीं आता, और अगर इन केस हमें लोकल के अंदर लाना ही पड़ा तो कहाँ से लाएंगे। देन हम वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, फीचर ऑप्शन पे जाएंगे, और फीचर ऑप्शन के बाद हमें यहाँ मिलेगा वैट एंड जीएसटी, एंड देन इस टॉपिक पे हमें मिलेगा ट्रांसपोर्ट डिटेल इन लोकल सेल परचेस को, यस करेंगे और सेव कर देंगे। सेव हो गया, अगेन क्विट करेंगे एंड ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे। जैसे यहाँ आएंगे तो देखिए, अब चाहे आप लोकल लीजिए या कुछ भी लीजिए, आपका ट्रांसपोर्ट तो आएगा ही आएगा सर, ठीक है। तो अगर ट्रांसपोर्ट लाना है टॉपिक या डिसेबल करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ठीक है, तो आप इस टॉपिक को ला सकते हैं। दोबारा बता देता हूं हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। टॉपिक का नाम है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। पता है बीजी के अंदर इतनी सारी फैसिलिटी है, अगर आप इसको कर लो तो इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टॉपिक है, टॉपिक हम बात कर रहे हैं पीओएस का। जैसे अभी हमारा ये टॉपिक हो गया था कौन सा, इनपुट ट्रांजेक्शन डिटेल। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट। ये ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट क्या होता है सर? कमल आप जानते हैं ऑटो राउंड फाइनल अमाउंट क्या होता है? हाँ जी सर। क्या होता है ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट सर इसमें होता है सर, जो वैल्यू पॉइंट में हो, जैसे 8.50 पैसे में हो तो सर उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है ललित या जी, 50 रुपए को 100 में कन्वर्ट करना हो सकता है। ठीक है ललित जी, समझ में आया टॉपिक क्या है? जी सर आ गया, आ आरिफ, गया आप सर। आरिफ आपको भी समझ में आया? जी सर। ठीक है अन्नू आपको समझ में आया? आरिफ म्यूट कर लो। अन्नू समझ में आया? हेलो हेलो अन्नू, कोई प्रॉब्लम हो तो आपके नीचे एक म्यूट का बटन आता है, आप उसको अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो फोन के नीचे एक माइक का आइकन होगा, एंड देन इस पर राइट करके आइकन लगा होगा निशान आकर, उसको अनचेक करोगे तो क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे कुछ भी। हेलो। हाँ फिर समझ में आया टॉपिक क्या चल रहा है? सर जस्ट मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा अभी ज्वाइन किया, दुआ बता देता हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक का नाम है ऑटो राउंड ऑफ। ऑटो राउंड ऑफ क्या होता है देखो एग्जांपल देता हूँ। जब आप सेल करते हो, सेल करते करते एंट्री करने जाते हो, सेल की एंट्री हो जाती है, देन आप यहाँ पर बीजी आइटम वन लेते हो। सपोज करो यहाँ पर आपको पैसों में आ गया 50 पैसे या 10 रुपए 90 पैसे आ गया, सपोज इस तरीके की प्राइस आ गया। अजीब सा लग रहा है, ओड लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर वैल्यू 50 से बड़ी हो तो 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाए, और वैल्यू अगर 50 से कम हो तो माइनस में आ जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। तो बीजी के अंदर एक ऑप्शन होता है, आप आओ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और जिस पे भी करना है, मैंने बोला पीओएस पे, और क्लिक करा और यहाँ लिखा होता है ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट। मैंने इसको यस करा, जैसे ही मैंने इसका इसका कि बटन बन के आया, मैंने बटन पे भी क्लिक करा, बीजी मुझसे पूछता है ऑटो राउंड ऑफ ऑप्शन ऑलवेज अपर ऑलवेज लोअर या ऑटोमेटिक। ऑलवेज अपर का मतलब अगर वैल्यू माइन जैसे 10 रुपए 20 पैसे आ गए तब भी उसको 11 रुपए में कन्वर्ट कर देगा। मैंने कहा सर ये तो तरीका गलत है ना, मैंने बोला अगर वैल्यू अपर में है तो उसे राउंड ऑफ प्लस में दिखाओ, अगर वैल्यू माइनस में तो उसे क्या दिखाओ, राउंड ऑफ माइनस। आ गया ये राउंड ऑफ नियरेस्ट टू, 1 रुपए से करना है, 2 रुपए से करना है, 50 रुपए से करना है, 500 रुपए से करना है, जिससे करना है उससे। ये क्या करता है, आक्स बिफोर एडिंग राउंड ऑफ, मैंने कहा मुझसे पूछो मत, खुद ही ऐड कर देना, और सेफ। यहां भी सेफ पे क्लिक करा, सेफ हो गया, मैं आया बैक सेल पे गया,
अब देखो यहाँ ध्यान देना, नीचे मैंने यहाँ क्लिक करा, मैंने आइटम वन लिखा, एंटर मारा, आगे गया, मैंने बोला 10 रुपए 30 पैसे, वैल्यू कम है ना। अब देखो डायरेक्ट मैं कहीं नहीं क्लिक कर रहा, मैं सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, सेव करा, क्या लिख क्या है, ऑटो राउंड ऑफ विद संड्री, मैंने कहा यस, लग गया 30 पैसे अपने आप ऑटोमेटिक। बट ये मैसेज क्यों आया, बिजी मुझसे पूछे ना, अपने आप लगा दे, अपने आप ही दिखा दे, तो आप इस टॉपिक को नो कर देंगे। किस टॉपिक को नो कर देंगे, इसके अंदर जो नीचे आता है ना आर्क्स वाला, इस टॉपिक को नो कर देंगे एंड देन सेव करेंगे। सेव हुआ, अगेन हम जाते हैं बिल पे, एक नया बिल की एंट्री करते हैं, डेट 1/4 लेते हैं, बिजी इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं एंड देन आइटम वन प्राइस 1, और हम बोल देते हैं 20 रुपए 59 पैसे। देखो अब मैं डायरेक्ट सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑटो राउंड आएगा, लग गया 41 पैसे, आ गया, ये कहलाता है आपका ऑटो राउंड ऑफ। ठीक है, आरिफ समझ में आ गया ऑटो राउंड ऑफ, अविनाश समझ में आया, आरिफ सर, मैं सर मेरे को तो पता ही नहीं क्या कर रहा है, मैं अभी भी आया हूँ। ठीक है, अभी अनम्यूट करो आप, मैं बताता हूँ दोबारा। हेलो हाँ सर, मेन के अंदर भी कर सकते हैं हाँ मेन के अंदर भी कर सकते हो आप, यहाँ पर आ जाओ, मेन सीरीज लो, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ और यहाँ से मेन पे यस कर लो, किसी पे भी कर सकते हो, कोई बाउंड इश्यू सर? नहीं है। अब अनम्यूट करो अपने आप को फटाफट और इसको सेव कर दो, बस खत्म, अब ये मेन पे भी काम हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? ये आपका बेसिकली टॉपिक था। अब आ जाओ पीओएस के वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पढ़िए, प्रिंट अकाउंट वाउचर आफ्टर सेविंग। पता है आपको बिजी के अंदर ये वाला ऑप्शन क्यों आता है, जब आप सेल करते हो, जब आप सेल करते हो तो ये पॉपअप क्यों आता है प्रिंट का, ये प्रिंट इनवॉइस का टॉपिक क्यों आता है, ये सर परचेज पे क्यों नहीं आता, ये परचेज करते वक्त क्यों नहीं आता, या ये सेल करते वक्त ही क्यों आता है टॉपिक। अरे यार कोई अनम्यूट है, राजकुमार अनम्यूट करो अपने आप को। आया, सेव करा, सेव हो गया डायरेक्ट, लेकिन उसने मुझसे पूछा नहीं डू यू वांट टू टेक प्रिंट और नॉट, नहीं पूछा ना, क्यों? क्योंकि बीजी ने इनको फैसिलिटी नहीं दी है। मैं आया, मैं यहाँ क्लिक करा, मैंने बोला प्रिंट अकाउंट वाउचर आफ्टर सेविंग, क्या लिखा है यहाँ, प्रिंट अकाउंट वाउचर आफ्टर सेविंग। ये क्या होता है, जब आप कोई बिल चढ़ा लेते हैं या किसी बिल की एंट्री कर लेते हैं और जब उसको आप कंट्रोल पी के साथ प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, या सेल हो या परचेज हो किसी का भी देखते हैं, तो यहाँ पर आपको चार टॉपिक मिलेंगे। पहला होता है सेल इनवॉइस, जो आप बिल की एंट्री करते हो, दूसरा आपका टॉपिक होता है इन्वेंट्री, जो आइटम की बात करता है, तीसरा अकाउंट्स होता है, जो जनरल एंट्री सीखी थी, सेल अकाउंट क्रेडिट और आइटम अकाउंट डेबिट। देखो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये कुछ ऐसी जनरल एंट्रियां दिखाएगा आपको, ये आपको बताएगा इस वे में कि बिजी इंफ्रास्ट्रक्चर अमाउंट डेबिट सेल अकाउंट क्रेडिट एंड राउंड ऑफ अकाउंट दिस, ये आपको ये एंट्री बता रहा है, ये जनरल एंट्री बोलते हैं इसको बेसिकली। बिजी कहता है कि अगर आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो क्या आपको साथ में जनरल एंट्रीज भी चाहिए, अगर चाहिए तो आप इस टॉपिक को क्लिक करो, प्रिंट अकाउंट वाउचर आफ्टर सेविंग, आ गया, ओके करो एंड देन ओके कर दो, कॉन्फिगर सेव हो गया, नेक्स्ट आओ। अब देखो यहाँ मैं किसी बिल को मॉडिफाई करूं और जब मैं इसको सेव करूंगा F2 सेव, देखो सेव हो गया, एक मैसेज आया डू यू वांट टू टेक प्रिंट आउट, मैसेज आ गया ना किसका, क्या आपको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट, मैंने बोला नो प्रिंट नहीं निकालना। देखो एक और मैसेज आएगा अगेंस्ट और उसकी हेडिंग होगी अकाउंट वाउचर प्रिंटिंग, क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा जो अभी मैंने बताया है, ये याद रखना,
अगर आप चाहते हो कि टॉपिक परचेज पे भी आए तो कहाँ जाओ, दोबारा यहाँ आओ, कॉन्फ़िगरेशन पे, वाउचर पे, और किस पे एप्लीकेबल कर दो, परचेज पे, परचेज से इस टॉपिक को यस कर दो, बस खत्म, क्लिक। ऐसे ही अगेंस्ट नीचे सारे टॉपिक आते हैं, मतलब किसी में भी चाहिए ना, बस इस टॉपिक को यस कर लो, इस पे आके क्लिक करो और यहाँ पर जाओ और आप इस टॉपिक को क्या कर दो, इस वाले को। राजकुमार जब पूछना होगा तो अनम्यूट कर लेना ना, अभी पीछे से नॉइज आ रहा है, वीडियो बन रही है। पवन आप भी अनम्यूट करो ना। सर अब एक ये टॉपिक तो ये इन्वेंट्री जो बताएगा कि आपने क्या क्या आइटम बेची वो बताएगा खाली, कुछ नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो ये होता है, कौन सा टॉपिक, प्रिंट सेल इनवॉइस आफ्टर सेविंग। पता है आपको मैसेज क्यों आता है जब आप सेल का बिल सेव करते हो, यही रीजन है कि बीजी ने इसको बाय डिफॉल्ट ऑन करा हुआ है, और किसी भी अकाउंट में आप चाहे पेमेंट भी करो चाहे परचेज भी देखोगे तो बीजी ने इस अकाउंट को ऑन नहीं करा हुआ है। किस अकाउंट को, इस वाले अकाउंट्स को, इसको यस कर दो। आप परचेज का आप कोई बिल सेव करो, सेल रिटर्न के अंदर ये कर दो टॉपिक अनेबल। जिस जगह इस टॉपिक को अनेबल कर दोगे आप, जब भी वो बिल सेफ होगा तो वो आपको इंटीमेशन देगा। देखो यहाँ पर परचेस का बिल मॉडिफाई कर रहा हूँ, F2 करके सेव करूँ, पहला सेफ होने का मैसेज आया, दूसरा प्रिंट का आ गया। क्यों आया, क्योंकि मैंने बोला है इस जब आप इस बिल को सेव कर लोगे ना तो साथ साथ मुझे बताना कि प्रिंट निकालना है नहीं निकालना है। अगर प्रिंट नहीं निकालना होगा ना तो फिर मुझे छोड़ देना। ये टॉपिक था, याद रखना ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी का वर्किंग है वो कहता है कि मैं परचेज के बाद उसका प्रिंट आउट निकालता हूँ, तो इस टॉपिक को एनेबल कर लेना जरूरी है। किसको, प्रिंट सेल इनवॉइस आफ्टर सेविंग वाले को। जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर हेडिंग मिलेगी, लिखा होगा नंबर ऑफ फॉर्मेट्स 1 इज इक्वल टू मैक्सिमम 4। ये फॉर्मेट क्या होते हैं, आओ चलो दिखाता हूँ फॉर्मेट क्या होते हैं। फॉर्मेट होता है डिजाइन। बहुत सी कंपनियां ना अपने बिल को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ताकि उनका बिल अच्छा दिखे, यूनिक दिखे, देखने वाला कहे कि बिल अच्छा है। जैसे मेरे पास यहाँ बिल है, मैं आपको सारे बिल एक साथ ओपन करता हूँ। अगर किसी चीज को ना आज के बाद एक साथ ओपन करनी है तो एक बार में उनको सभी को सिलेक्ट कर लो, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे ना, और किसी एक पे क्लिक करके ओपन कर दो। जब आप ऐसा करेंगे ना तो वो सारी एक बार में ओपन हो जाएगी, चाहे वो आपके फोल्डर हो या आपकी वर्ड फाइल हो, एक्सेल फाइल हो। ये तरीका होता है। ये देखिए मेरे पास एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है ना बिल का, ये ग्रुपिंग फॉर्मेट है। सबसे पहले मैंने बोला कि जो मैंने फॉर्मेट डिजाइन करा है उस फॉर्मेट की हेडिंग पे ही बोल दिया कि सर सबसे पहले आपको ना उस आइटम का ग्रुप बताना है जो आइटम को आपको बेचा है, उसके बाद उस आइटम के सब पार्ट है जो आइटम बिकी है, ये आइटम का ग्रुप आ गया एंड देन उसके सब पार्ट। ये बिल डिजाइनिंग हो गया, इसको फॉर्मेट बोलते हैं। नीचे आओ, ये फॉर्मेट देखो, ये आप जैसे कभी जाते हैं ना किसी रेस्टोरेंट में तो सबसे पहले आपको टोकन लेना पड़ता है, ये टोकन का फॉर्मेट है, आपको सबसे पहले टोकन लेना पड़ेगा एंड फिर आप उस टोकन को दूसरे काउंटर पर सबमिट कराएंगे, जब जाके आपको मिलती है ना चीज, देन ये वही टॉपिक है। अब ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये थर्मल प्रिंटर है, जब आप बैंक की स्टेटमेंट लाते हैं तो इस तरीके से आती है, ये थर्मल प्रिंटर है। और आ जाओ ऊपर, हॉस्पिटल प्रिंटर दिखाऊं, जैसे कि हॉस्पिटल का नीचे, ये सारी इनवॉइस कहलाती हैं, ये सब इनवॉइस हैं, ये सारी इनवॉइस है। देखो ये किसी हॉस्पिटल की इनवॉइस है ना, इनवॉइस है जी, अच्छी इनवॉइस। हेलो, हेलो सर, हाँ सर हाँ हाँ बोलो। सर वीडियो स्टॉप, पॉज है, आगे नहीं चल, सर वीडियो पॉज है, आगे नहीं चल रही। एक मिनट रुको मैं करता हाँ आप हूं। चलिए सर।